नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने किचन गार्डन की मिर्ची के पौधे को दिखाने जा रही हूँ। देखिए, ये मैंने गमले में लगाया है, ये छोटा गमला है और इसमें मैंने इसे लगाया था। और अब आप देख रहे हैं कि जब सर्दी का मौसम अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही इसमें ढेर सारी मिर्ची जो है वो आनी शुरू हो गई है। आप देखेंगे कि मिर्ची का रंग भी कितना खूबसूरत है, ये देखिए। और ये धीरे धीरे हरा होना शुरू हो जाती है। पहले ये ऐसे ही लगता है जैसे ये जो है पर्पल कलर की है, लेकिन फिर ये धीरे धीरे हरी भी होनी शुरू हो जाती है। और ये जो मिर्ची है, इसको जो है मैंने पौध से लगाया था। मिर्ची की छोटी सी पौध जो है वो पहले बना लेते हैं और उसके बाद में हम इसे लगाते हैं। अगर आप बीज से भी लगाना चाहते हैं तो बीज से भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन आप ये कोशिश करें कि अगर आपको कहीं से अच्छी किस्म की पौध मिल जाती है तो उससे बहुत जल्दी पौधा जो है वो आपके घर में ग्रो करना शुरू कर देगा। क्योंकि अक्सर क्या देखा जाता है कि हम बीज से लगाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन जब वो कई दिनों तक नहीं निकल पाता है, उसमें से सीडलिंग उसकी नहीं बन पाती है, तो हम उसमें ज़्यादा पानी दे देते हैं। और जब ज़्यादा पानी दे देते हैं तो वो बीज जो होते हैं गल जाते हैं और प्रॉपर तरीके से हमारे जो हैं वो नहीं बन पाते हैं। तब आप कहीं से, जहाँ नर्सरी में या कहीं और, अगर आपको पौध मिल जाए तो उसे अपने गमले में अगर आप लगा देंगे तो ये चंद दिनों में ही आपका पौधा जो है वो तैयार हो जाता है। और इसे पूरा पौधे को बनने में, इसकी जो फ्लावर आने में, इसमें कम से कम आपका जो है 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। और 2 से 3 महीने के बाद इसमें जो है वो फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। पहले साल थोड़ी कम फ्रूटिंग आती है, लेकिन जैसे जैसे, कई लोग सोचते हैं कि मिर्ची का पौधा केवल एक बार फसल देने वाला होता है और अक्सर लोग उसे एक बार फल लेके उसे निकाल देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप पौधे की रखरखाव अच्छे प्रकार से करते हैं तो आपका एक मिर्ची का पौधा कम से कम आपको 2 से 2.5 साल आपको अच्छी फसल दे सकता है। उसके फल आप, मिर्ची के फ्रूट जो हैं ये ले सकते हैं आप। और ये इसका जो रंग है वो इतना खूबसूरत है, जैसे आपने बैंगन का रंग होता है बैंगनी कलर, उसी प्रकार का है इसका रंग। और इस तरह से आप इसे गमले में लगाएंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने की है कि मिर्ची के पौधे की रखरखाव करने के लिए ना तो इसमें ज़्यादा पानी दें आप, और इसमें खाद जो है ना वो समय समय से देते रहें। क्योंकि इसमें एक बीमारी लग जाती है कि इसके पत्ते जो होते हैं वो गोल होने शुरू हो जाते हैं, और जब वो पत्ते गोल होने शुरू हो जाते हैं तो उसका फ्लावरिंग पे भी असर पड़ता है। तो आप इसके अंदर कोशिश करें कि इसमें नीम की खली वो डालें, और इसके अलावा इसमें कोई दूसरी चीज़ मत डालें। क्योंकि जब नीम की खली इसमें डालते हैं तो इसमें जो पत्तों में, एक तो इसके गोल हो जाते हैं वो घुमाव आ जाता है, और दूसरा इसके पत्तों में कीड़े जो छेद करना शुरू कर देते हैं वो भी नहीं होता। तो आप कोशिश ये करें कि आप अपने मिर्ची के पौधे में केवल नीम की ही पत्तियां वाली खाद जो है वो ही डालें, और उससे भरपूर फसल आप ले पाएंगे। और किचन गार्डन के लिए तो ये बहुत ही उत्तम होता है कि यदि आप केवल 2 या 3 गमलों में ही लगा दें, या जिनके पास में खुली जगह होती है वो इसे खुली जगह में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप मिर्ची का पौधा लगाइए और उससे जो है घर में ढेरों फल प्राप्त कीजिए। नमस्कार।